वोट मैन था, रिजर्वेशन टिकट बना हुआ था करनाल का, बाबू 18 साल का टिकट, औलाद के जल्दी दिन रात आँख मास भी रो बाबू। तस्वीर देखिए, ये समस्तीपुर जिला से आए हुए हैं और इनका कहना है कि इनके भाई का जो है कुछ अपराधियों ने इनका मर्डर करके फरार हो गए हैं। मेरा भाई रात में गायब हुआ और सुबह में लाश मिल गया और पोस्टमार्टम 4:00 पे हो भी गया, तो उस हिसाब से टाइम जोड़ते हैं तो 18 घंटा ही हो रहा है और उसको 36 घंटा बना दिया गया। अब बाबू हमरे है ना बकरीद के कल होके करनाल जाता है, कोर्ट में बाबू था, बाबू को मर्डर करके पानी में फेंक दी, बड़े दरवाजा पाके राहुल दास है आपके दशा, हमारे दरवाजा पाके पुलिस था, क्या बोला था कि है ना हमारा है ना मोबाइल नहीं दीजिएगा तो हम है ना आपको है ना 4 दिन के अंदर में मार के नदी में फंसा देंगे। जिस पे केस दर्ज किए हुए बोलता है हमारे पास इतना धन दौलत पैसा है पैरवी है कि केस यूं खत्म हो जाएगा, एक मरते भी थाना जाना नहीं पड़ेगा हम लोग, मेरे पास भाड़ा किराया भी नहीं है घर जाने के लिए, किसी तरीके से जो काम के लिए है वो काम होगा तो ही जाएंगे, मर्डर नहीं किया है तुम लोग जुटेगा फंसा रहे हो ऐसे करके भगा देता है अलबला करके। कहाँ से आए हैं, क्या समस्या है आपकी? दलसिंह सराय से हम आए हैं, समस्तीपुर जिला से। मेरा भाई का हत्या हो गया 12/7/21 को और हम उस दिन से दलसिंह सराय थाना SP समस्तीपुर वहाँ भी मिले, DIG दरभंगा वहाँ भी मिले, लेकिन वहाँ से हमको कुछ सहायता नहीं मिला, तो हम अभी आए हैं, कल आए हैं, ये 30/8/21 को आए हैं पटना मुख्यमंत्री के दरबार में, वहाँ जनता दरबार लगता है वहाँ, और कल से हम भटक रहे हैं यहाँ, लेकिन हमको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। जनता दरबार तो मुख्यमंत्री सोमवार को लगाए नहीं थे, अच्छा सोमवार को लगाएंगे। हाँ तो हम रहेंगे 4-5 दिन ऐसे ही फुटपाथ पे रह करके भी रहेंगे, लेकिन उनसे मिल करके ही जाएंगे, मेरे पास भाड़ा किराया भी नहीं है घर जाने के लिए, किसी तरीके से जो काम के लिए है वो काम होगा तो ही जाएंगे। आपके पास पैसे तक नहीं है? पैसे भी नहीं है, हम जब से दौग रहे हैं लगभग 2 महीना से जाते हैं। थाने वाले क्या बोलते हैं? थाने वाले बोलते हैं कि जाइए जाइए काम होगा, छानबीन कर रहे हैं, बोलता है क्या चीज की वो मर्डर नहीं किया है तुम लोग जुटेगा फंसा रहे हो ऐसे करके भगा देता है अलबला करके। आपके भाई हैं क्या? जी मेरे भाई हैं। भाई हैं, देखिए ये तस्वीर देखिए, ये समस्तीपुर जिला से आए हुए हैं और इनका कहना है कि इनके भाई का जो है कुछ अपराधियों ने इनका मर्डर करके फरार हो गए हैं। क्या नाम था आपका भाई का और कैसे इनका मर्डर हुआ? मोहम्मद अरमान नाम है मेरा भाई का, ये जो है मोबाइल का कुछ विवाद हुआ था, उसके ठीक 3-4 दिन के बाद इसका बरामद जो है नदी से लाश मिला था हमको, तो हम उस वक्त बोलते रह गए दलसिंह सराय प्रशासन को कि नहीं मेरा भाई का हत्या हुआ है, लेकिन वो एक नहीं माना, अपने मन से लिख दिया उसमें कि नहीं डूबने से मृत्यु हुई है। कौन है वो लोग? वो शंकर दास है, घर के बगल के ही हैं, उसका लड़का है एक मुकेश दास, एक राकेश दास, एक राहुल दास, ये चारों मिल करके साजिश के तहत उसका हत्या करके लाश छुपाने के लिए नदी में फेंक डाला। हम लोग उस दिन से कह रहे हैं लेकिन प्रशासन को जो है सुन नहीं रही है, भगा देती है, वहाँ जाते हैं यहाँ डांट करके भगा देती है। यहाँ तक देखिए, हम 12 को गए तो केस दर्ज नहीं किया, फिर 15 को गए केस दर्ज नहीं किया, मतलब 14 को जो है गए तो भी केस दर्ज नहीं किया, 12 से हम लगातार दौग रहे थे तो 12 केस क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा, क्या बोल रहे हो? वो बोलते हैं क्या चीज कि तुम लोग जो है झूठे का केस दर्ज करवाने आप जाओ, जांच करेंगे तो फिर बोलेंगे लिखेंगे केस दर्ज करेंगे। 12/7/21 को जी, मतलब 1-2 महीने हो गए। हाँ 2 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक आरोपी को एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ, 302 धारा उड़ा भी लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन यही कहती है कि नहीं इस पे छानबीन अभी तक जारी है, लेकिन छानबीन जारी है, हाँ, कुछ कार्रवाई नहीं, एक मरते भी प्रशासन नहीं आया हमारे घर पे आकर के, ना DSP आए हैं ना कोई आए। सबका पोस्टमार्टम क्या होगा? पोस्टमार्टम क्या गया? पोस्टमार्टम किया गया है उसका। रिपोर्ट में क्या आया? पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में यही आया है कि उसमें देखिए मेरा घर से मेरा भाई जो है 12 से 14 घंटा मान ले गायब रहा, उसमें दे दिया 36 घंटा, और उसमें जो है डूबने का जो है उसमें लिख दिया गया जी, उसमें नाक मुझे ब्लड आ रहा है, एक हाथ पे चोट है, ये सब उसमें लिखा हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है सही नहीं बनाया, क्या कि मेरा भाई रात में गायब हुआ और सुबह में लाश मिल गया और पोस्टमार्टम 4:00 पे हो भी गया, तो उस हिसाब से टाइम जोड़ते हैं तो 18 घंटा ही हो रहा है,
और उसको 36 घंटा बना दिया गया। आप एक माँ है और माँ की हालत देख सकते हैं, माँ जो है एक बेटी के न्याय के लिए इतने दूर से आए हैं समस्तीपुर जिला से, कितना तकलीफ होता होगा। एक बेटा जो है गुजर चुका है, दूसरे बेटे के लेकर आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बहुत तकलीफ है बेटा, बेटा कोर्ट में था, रिजर्वेशन टिकट बना हुआ था सब बकरीद के 1 तारीख को। अब बाबू हमरे है ना बकरीद के कल होके करनाल जाता है, कोर्ट में बाबू था। अरे बाबू को मर्डर करके पानी में फेंक दी। रहता था आपका बेटा? हमारा बेटा बाहर में रहते, यही त्योहार करने के लिए आए से, बीच में है ना लॉकडाउन लग गया था, 2 महीना घर रही, वही मोबाइल का है ना दे दिया, यही दोस्त सही दुश्मन। तो बाबू को कैसे 4 दिन के अंदर में मार के तुमको है ना नदी में फेंक दें। तो हम लोग सोचे कुछ कि अपना हंसी मजाक हो रहा है, मगर हकीकत में मार के नदी में भसा दी। हमारा इंसाफ बोला था आपका बेटा या मेरा मर्डर कर देगा कोई? नहीं, हमारे दरवाजा पे आके वो राहुल दास है, मुकेश दास, हमारे दरवाजा पे आके पुलिस था। क्या बोला था? कि है ना हमारा है ना मोबाइल नहीं दीजिएगा तो हम है ना आपको है ना 4 दिन के अंदर में मार के नदी में फंसा देंगे। और 3रा दिन में लड़कावा को लेगी से, 4ठा दिन में पानी में से बाबू का निकाला गया। हम रात भर छानबीन करके खोजे नहीं मिली, बयानों के पानी के रेत में वो तो फंसा दी इसकी भाग। बेटे हैं आपके? हमें यही दो बेटा है और सब है और छोटा छोटा है नाबालिग है। क्या नाम था इनका? मोहम्मद अरमान। मोहम्मद अरमान जिनकी मौत हो चुकी है और एक माँ जो है अपने बेटे के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, उन अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए माँ जो है लगातार समस्तीपुर जिला से पटना आई हुई है और दर दर की ठोकरें खा रही है, गुहार लगा रही है, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। जब ये थाना जाते हैं तो इनको भगा दिया जाता है ये कहकर कि नहीं आपका बेटा जो है आत्महत्या किया हुआ है, लेकिन माँ का जो आरोप है वो ये है कि मेरे बेटे का हत्या किया गया है, लेकिन पुलिस जो है कुछ भी काम नहीं कर पा रही है। भाई थे आपके, कितना दुख होता है? याद आता होगा? बहुत दुख होता है, छोटा से पाले हम लोग, बड़ा हुआ जब कमाने लगा तो उसको मार करके फेंक दिया है। अभी भी हम लोग दौग बड़ा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर पकड़ा जाता है तो कम से कम लगता कि चलो जो मारा है या जो मर्डर किया है सजा मिल गया। अब 2 महीना से घर छोड़ के भागा हुआ है, लेकिन आज तक प्रशासन एक मरते नहीं जाती है वहाँ। यहाँ क्या हुआ है? वहाँ के थाना प्रभारी का कौन सा थाना है? थाना हमारे आयु है अमरेंद्र कुमार द्विवेदी। अच्छा। उनका मेरे पास बहुत सारा रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन वो जो है सीधे बोलते हैं कि हमको ये नहीं मिल रहा है गिरफ्तारी ऑर्डर, हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, नहीं करेंगे हम। अब वहाँ का DSP जो है, ये आवेदन जो है, ये DSP सर जो है हमारे घर पे बुलाए थे वहाँ ऑफिस पे बुलाने के बाद वो क्या किए कि जो व्यक्ति यहाँ नहीं है वो सब का नाम चढ़ा दिए, झारखंड में ये सब व्यक्ति रह रहा है उसका नाम चढ़ा दिए हैं। वो सब का नाम किस चढ़ा है? अपने से वो चढ़ा दिए मिली भगत में मोटा रकम खा करके। तो हम लोग गरीब व्यक्ति हैं, पैसा दे नहीं पाए और जो पैसा दिया है बस उसका काम कर दिए। अब वो सोचता है, वो बोल रहा है अभी आगे वाला जो है जिसपे केस दर्ज किए हुए, बोलता है हमारे पास इतना धन दौलत पैसा है पैरवी है कि केस यूं खत्म हो जाएगा, एक मरते भी थाना जाना नहीं पड़ेगा हम लोग। अभी आप लोग पटना आए हैं, क्या करने आए हैं पटना? ये मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हम आए हैं। मिलने आए हैं जी? मुलाकात हुई है? नहीं, मुलाकात अभी नहीं हुई है। नहीं, डायरेक्ट जो है ये लोग मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं, बताया क्यों? क्योंकि जो इनका थाना है वो कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है और ये अब विवश हो चुके हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार सब काम मुख्यमंत्री ही करेंगे तो फिर थाने की क्या जरूरत है? थाने को हटा देना चाहिए, अगर मुख्यमंत्री जी ही सब काम करेंगे तो फिर थाना जो लाखों रुपया खर्च किया जाता है उन पुलिस वालों पर, उनका क्या काम है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। एक माँ जो है अपने बेटे मरे हुए बेटे की तस्वीर लेकर जो है वो घूम रही है, न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन कहीं भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। कमाता था पैसा बेटा, पैसा देता था जी, कोर्ट में था, रिजर्वेशन टिकट बना हुआ था करनाल का, बाबू 18 साल का टिकट, औलाद के चलते 3 रात आंख मास भी रो बाबू, कोई इंसाफ नहीं है, इंसाफ हमारे दिल भाई हम बाबू का आगू का थलिया छिना गए, कोई इंसाफ नहीं है। माँ के दर्द को समझना चाहिए और क्या दर्द होता है जब उनका एक जवान बेटा गुजर जाता है तो कितना दर्द होता होगा, ये भी आपको समझना चाहिए उन पुलिस वालों को भी और समझना चाहिए कुर्सी पर बैठे उन सत्ताधारियों को भी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जरूर इनको न्याय मिलना चाहिए। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता के सामने देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।